इस वक्त हम इंदौर के मालवा मिल क्षेत्र में हैं और यहाँ पर एक जो वायन रोड है यहाँ पर एक साईं बाबा का मंदिर है और आप देख रहे हैं जैसे तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर भोजन चल रहा है, यहाँ पे एक भंडारा चल रहा है और हम इसमें अधिक जानकारी के लिए यहाँ के जो आयोजक हैं पप्पी शर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। पप्पी जी, ये बताइए कि ये जो भंडारा हम देख रहे हैं इस वक्त, ये क्या आप रेगुलर करते हैं या क्या है, किस तरह से होता है ये? प्रत्येक बुधवार को इसी तरह भंडारा किया जाता है और इसकी एक ये विशेषता है कि यहाँ किसी से भी किसी भी तरह का चंदा नहीं मांगा जाता है, होता जनता जनार्दन के सहयोग से ये जिसकी जो इच्छा होती है यहाँ दे जाता है। इसी तरह हर बुधवार को ये आते हैं, इनको भोजन कराया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इनको कपड़े भी बांटे जाएंगे, कुछ लोगों को कंबल की आवश्यकता है वो भी बांटे जाएंगे, झंडा वंदन करके इनको भोजन कराया जाएगा। हर बुधवार को होता है ये 2003 से निरंतर कर रहे हैं और ये चल रहा है 2022, तो करीबन 18 सालों से ये सेवा आप यहाँ दे रहे हैं। 18 साल से निरंतर ये सेवा चल रही है। लॉकडाउन में कुछ समय पिछले लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में तो नहीं बंद करा था, एक दो हफ्ते बंद करा था, लेकिन इसके पहले वाले लॉकडाउन में जरूर एक डेढ़ महीने नहीं खिला पाए थे, लेकिन उसका हमको बहुत अफसोस है। उसके बाद भी हमने लॉकडाउन में भी खड़े रह के लोगों को बांटे, क्योंकि ये कहीं भी नहीं जाते हैं, साधु संत भिक्षुक और असहाय लोग हैं, इनका कोई भी नहीं है और ये मांग के ही खाते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब शहर में ईश्वर की जहाँ पे मंदिर होते हैं, अगर वहाँ पर अगर असहाय लोगों को, जो जिनके लिए कोई भी नहीं सोचता है, वहाँ पर अगर ये यहाँ पर ऐसे लोगों का पेट भर रहे हैं, उन्हें अगर भोजन सामग्री प्रसाद के रूप में अगर दे रहे हैं, तो इससे अच्छा परोपकार मैं नहीं समझता कुछ और होगा।